हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लास चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, और मैथ्स में हमारा टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या लिखा हुआ है, क्यों इसमें पावर्स दे रखी है, 7 की पावर 80 माइनस 7 की पावर 79। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन में नीचे दे रखी 2 × 77 की पावर 78। देखिए कैसे करेंगे इसका, बहुत ईजी मेथड है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसे। देखिए इन दोनों में क्या लिखा ऊपर वाले डिजिट में, 7 की पावर 8 80, ठीक है, माइनस 7 की पावर 79 डिवाइड बाय 2 × 7 की पावर 78। मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको कॉपी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, तो 7 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। और इसमें पावर देखिए कॉमन कौन सी लेनी है, जो छोटी वाली होगी। देखिए 79 छोटी है, 80 बड़ी है, तो मैंने 79 कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया मतलब। अब देखिए 70 की पावर 78 था ना, 80 में पावर में से 79 माइनस करेंगे तो कितने बचे, ये बचे 7 माइनस, देखिए 79 मैं पूरा ले चुका हूँ इस डिजिट को, तो यहाँ पर कुछ ही बचा, यहाँ बचा 1, ठीक। ऐसे नीचे लिखेंगे 2 × 7 की पावर 78, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 78 है, ठीक, इससे हम ये काट देंगे 7, देखिए दोनों चीज़ कॉमन है, इन दोनों से ही कट जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे 78 थी पावर, यहाँ पे कितनी 79, तो कितनी पावर बची, से केवल 1 बची, ठीक है। और देखिए 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 6, तो हम कैसे लिखेंगे, 7 × यहाँ 7 की पावर 1 बची थी, ठीक है, 7 बचा यहाँ पर ऊपर, इंटू मल्टीप्लाई 7 में से 1 का कितने बचे 6, ठीक। ऐसे क्या बचा नीचे क्वेश्चन में, 2 बचा, 2 का टेबल 6 में कितनी बचेगा 3 बार, और 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 3, तो ये आ गया 21। ऑप्शन देख लेते हैं, 21 सी पार्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं जिसमें पार्ट वैल्यू निकालनी है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करना है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस में तो ये माइनस में जाएगी, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, 8 की पावर 8/5 × क्या लिखना, 11325, ठीक है, प्लस ऐसे ही 56 लिखेंगे डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 लिखना पड़ेगा नीचे, × 750, ठीक है। ऐसे क्या बचा है, यहाँ पे स्क्वायर बचा है इसकी पावर 2 + 4 = 36, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 10, 13 × 5 = 10, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25। अब देखिए 2250 की किससे गुणा करनी है, 8 की गुणा करनी है 2250 से, ठीक है, प्लस। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इससे पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, एक जीरो बची तो पॉइंट लगा देंगे। अब 56 की गुणा किससे करनी है, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 5.6 की किससे गुणा करनी है, 175 से 175 × 2 × 4 = 36, ठीक है। इस किससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1820, ठीक है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 980। देखिए ये प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में, 436 = x², इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 19100, ठीक है। और क्या माइनस करना, 436 = x²। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 18, इसे ऊपर रफ कर लेता हूँ मैं, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्वेश्चन में कितना आएगा, 1864, ठीक है, किसकी वैल्यू है, एक्स की पावर 2 की। अब यहाँ पर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर बनेगा तो इसका क्या जाएगा, 136.61, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, 116 ये भी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, डी, नन ऑफ द अबोव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, मैंने पहले बताया था पॉजिटिव इंटीग्रल बताना है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल, देखिए नेगेटिव है, स्मॉलेस्ट है पॉजिटिव, देखिए स्मॉलेस्ट जो होता है पॉजिटिव तो 1 होता है, प्लस 1, ठीक है, और नेगेटिव मतलब लार्जेस्ट जो होता है माइनस 1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस बताइए, मतलब 1 में से डिफरेंस मीन्स माइनस, माइनस के 1 कीजिए तो माइनस माइनस क्या होता है,
हमेशा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है जब कोई बीच में साइन ना हो, मतलब मल्टीप्लाई का साइन हो। तो 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इतनी डिजिट हैं एक्स की, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, मतलब हम इसे जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसे एक्स मान लेते हैं। अब देखिए इसे करने का बेहद आसान तरीका क्या है कि ये जो लिखी हुई है पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं ऐसे ही। 6 3/4 + 4 3/8 - 6 1/4। और देखिए ये प्लस माइनस में तो धजा की जाएगी, प्लस में जाएगी। 5 1/2 = x, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स मान लिया। अब देखना इसमें बहुत आसान तरीका क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, इन सबको एक साथ देख लेंगे ऐसा करके। 6 + 4 - 6 + 5, ठीक है, प्लस। अब देखिए ये रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है डिवाइड में है, इसको अलग ले लेते हैं। 3/4 + 3/8, ठीक है, -1/4 + 1/2, हमने इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया, ठीक है। जो डिवाइड की डिजिट है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को उसको अलग लिखेंगे, और जो अलग डिजिट है उसको अलग, ठीक है। अब देखिए 6 / 4 कितना होगा, 10, 10 में से 6 के कितने बचे, 4, 4 / 5 कितना होगा, 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। देखिए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 8, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। और इन सबको जोड़ माइनस करने पर कितना आएगा, 11। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आएगा, इसको ऑप्शन नंबर 9 तो नहीं आने का, खैर इसका ऑप्शन नंबर जो आएगा देखिए 9 = 72, ठीक। 72 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 72 + 11, 383। तो देखिए 10^8 से करेंगे तो 1083, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लविंग इज एन एसेंशियल प्रीक्विसाइट्स टू अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर और टू डिजिट नंबर, वन टू डिजिट नंबर कौन सा मतलब जो है प्रीक्विसाइट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नहीं कम्युनिकेटिव नहीं, मल्टीप्लिकेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है चीज़ें, ठीक है, डिजिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक दूसरे से। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द 1.6 / 1.3। देखिए डिवाइड करना है इसको इससे, 1.69 को किससे डिवाइड करना है, 1.3 से। इसका बेहद आसान तरीका है, देखिए इसका टेबल इसमें पढ़ लीजिए, ठीक है, 13 - 13 और 13 कितने बचे, 39 39 होगा, 13 की 3 से करेंगे तो 39, तो कितना आंसर आ गया, 13, ठीक है, 13 आ गया इसका। अब पॉइंट कितने के बाद है इसमें, 2 के इसमें कितने बाद है, 1 के, तो पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे 2 के बाद है, तो ठीक है इसका आंसर आया 1.3। तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट ऑफ द फ्लॉ ऑफ द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ द 25998। मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्वेश्चन में कभी भी 1 से लेकर 4 डिजिट हो, ठीक है, तो हम नो ऐड डिजिट करते हैं, नो ऐड डिजिट, ठीक है, कोई भी डिजिट ऐड नहीं होने की प्रीवियस डिजिट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में 5 से लेकर 9 तक की कोई डिजिट हैं तो उसमें 1 ऐड करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब वो चाहे 1000 में हो जैसे 1000 ऐड कर देंगे, ठीक है, या 100 में हो जैसे 499 है तो 500 कर देंगे इस टाइप से, ठीक। तो ऑप्शन क्वेश्चन में क्या लिखा, 2599, तो देखिए ये जो 99 है क्या है, 99 ये जो वैल्यू है 25998, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है अप्रॉक्सीमेट बताइए। देखिए 1000 में चलिए डिजिट, तो इस समय 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये, देखिए जो डिजिट हैं ये वाली, ये 5 से बड़ी हैं छोटी हैं, देखिए 5 के इक्वल आ रही है ना, तो आ रही है, तो उसमें क्या बन कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे शुरू वाली में, तो क्या जाएगा 26000 हमें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट लाना है तो ये ख़त्म हो जाएगी पूरी, तो क्या बचेगा 26000। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 लिखा होता तो हम क्या लिखते, 25000 बस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि इसका इतना परसेंट बताइए, इसका इतना परसेंट, इसको इतना परसेंट, देखिए 60 का कितना परसेंट निकालना है, वो निकालना 24000,
तो ये तो बहुत आसान है, 60 × 24,000 ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है 100 से, और ऐसे ही क्या लिखा है 16 की मल्टीप्लाई करनी है 72 से ठीक है, और डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज को 100 बोलते हैं। और देखिए ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और 15 का कितना निकालना, 22,000, तो 15 × 2,000 डिवाइड बाय 100। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 240 की 60 से करेंगे तो आएगा 14,400 ठीक है, माइनस इसकी 20 से 20 कट गई, 72 की 16 से करेंगे तो ये आएगा 1,152 ठीक है। अब देखिए इससे ही 0 कट गई, 2000 से 20 की 15 से करेंगे तो कितना आएगा 300, 300 इज इक्वल टू क्या निकालना था हमें, एक्स, इसमें से ये माइनस कीजिए और ये ऐड कीजिए तो वो आएगा आपका 13548 ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 13548। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए रेश ये अंडर रूट में वैल्यू, तो पहले अंडर रूट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर बनाइए, कैसे, अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 की पावर, स्क्वायर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, एक्स की पावर 2 निकालना है तो हमें एक्स की पावर 2 निकालना, तो मतलब इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो जब भी स्क्वायर, तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसको a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, a की पावर क्या करना है, a की पावर स्क्वायर तो क्या आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, ऐसे 2 की पावर 2, अंडर रूट की पावर तो 2 आ जाएगा इसमें, प्लस फिर दोनों की गुणा, 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6, तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा ठीक है। और 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 आएगा ठीक। अब क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि माइनस में वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस का मतलब इसे डिवाइड में कर दीजिए, हमारी ये वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू जो है वो इतनी आई है एक्स की पावर 2 की। अब क्या करना है, क्वेश्चन में डिवाइड में पूछ रहा है तो डिवाइड में कैसे करेंगे, इसे और देख लीजिए, देखिए कैसे करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर माइनस के 2, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 2, तो अब इसे डिवाइड में करेंगे, 1 बाय, हमारा आंसर क्या था, 5 + 2 अंडर रूट 6 ठीक है। अब इसको देखिए क्या करना है, अब आंसर निकालना, तो कैसे करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे इस डिजिट को, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमिनेटर में डिनोमीटर में, 5 - 2 अंडर रूट 6। देखिए जब भी क्वेश्चन में यहाँ अगर प्लस में दे रखा तो माइनस आएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस रखा तो प्लस ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे सेम ऐसे, 5 - 2 अंडर रूट 6 ठीक है। अब देखिए ऊपर 1 लिखा हुआ है इसके, इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो सेम आएगी 5 - 2 अंडर रूट 6 आ गई क्वेश्चन में। नीचे देखिए 5 की 5 से करेंगे 25 आ गया, इस 5 की 5 से करेंगे 25, और 2 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 6 × 2 = 12, 12 और 12 कितने हो गए इधर 24, माइनस 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 प्लस माइनस होता है तो 24 हो गए, 25 - 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा नीचे 1, और ऊपर सेम डिजिट आ जाएगी 5 - 2 अंडर रूट 6। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है कि पावर इतनी है ठीक है। अब इसकी पावर बताने, देखिए 3 की पावर 0, हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में ए की पावर 0 का मतलब होता है 1 ठीक है, ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पर 3 की पावर 0 का मतलब हुआ यहाँ पर केवल 1 ठीक है, क्या लिखा जाएगा इसके बदले सिर्फ 1। अब प्लस लिखा हुआ है, प्लस लगाइए साइन, 3 की पावर - 2, 3 की पावर 1/2 ठीक है, 3 की पावर, पावर्स ऐड होती हैं 1/2 प्लस 1/2 ठीक है, मैंने पावर्स को, इन दोनों पावर्स को ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब क्या है बीच में, प्लस का साइन है, 3 की पावर 2, इसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, 1 ऐसे रहा क्वेश्चन में, 3 ऐसे रहा। देखिए पावर्स कितने ऐड, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया और 1 ऊपर, अब 1 प्लस तो कितना होगा 2 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, स्क्वायर वो कर लिया मैंने ठीक है। अब देखो 2 से 2 कटा तो क्या बचा, 1 + 3 + 9, तो 9 × 1 कितना का 10 और 3 = 13, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी पार्ट ठीक है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।